एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज डिटरमिनेंट्स, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका 4.1 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें और इसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको देखने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है ए इक्वल टू 100010124 देन सो डैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूफ करना है ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यानी ए, पहले तो हम आपको बताए थे कि जब भी हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास उसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम है और 3 रो है, यानी इक्वल 3x3 का मैट्रिक्स है। तो LHS पहले हम ले लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लेके और पुट कर देंगे, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। LHS में जो गिवन है 3A गिवन है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 और A का वैल्यू क्या है 100010124, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3003003 सब को, इच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3612। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना होगा, तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि या तो आप रो लेके चल सकते हैं या फिर कॉलम लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम रो लेके चलेंगे, यानी पहले लेते हैं 3, तो जब 3 लेंगे तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी बच क्या जाएगा 36012 ये बच जाएगा। फिर माइनस लेंगे, फिर इसका सेकेंड रो लेंगे यानी 8A120 और ये कैंसिल यानी बच क्या जाएगा 06012। फिर प्लस 3 लेंगे यानी अगेन ये कैंसिल 0300। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 into, अब इस डिटरमिनेंट को ये हमारा 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 ये हो गया। अब इस पार्ट में हम इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 यहाँ पे लगा हुआ है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं प्लस 3 into, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड माइनस 3 में 0 से करेंगे तो 0, ये भी हमारा जो पार्ट है ये पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 में 0 करेंगे 0 और 0 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 into, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये तो पूरा पार्ट हमारा 0 ही हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 6 3 18 1 यानी 108, जो LHS का पार्ट आया हमारे पास वो आ गया 108। अब देख लेते हैं RHS के लिए, तो RHS का जो पार्ट है मेरे पास वो है 27 मॉडुलस ऑफ A, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 27 और पहले मॉडुलस ऑफ A, यानी A कितना है 100010124। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं 27 और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम 1 लेंगे, 1 ऐसे कर लेते हैं इसको, इनटू 1 लेंगे 1, तो 1 लेंगे तो ये कैंसिल यानी बच क्या जाएगा मेरे पास, बच जाएगा 1204 माइनस, फिर 0 लेंगे, ये कैंसिल यानी 0204, फिर प्लस करेंगे 1, ये कैंसिल यानी 010100 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 27 इंटू, अब यहाँ पे 1 तो लेना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम 1 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 माइनस 0 में जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस, ये तो हमारे पास 0 हो गया यानी पूरा पार्ट जो होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 1 लिए हैं 1 तो ये कैंसिल यानी 0100 ये 0 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर भी यदि आप देखें तो 1
जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, माइनस वन में जीरो से करेंगे तो जीरो, यानी ये जो पूरा पार्ट है हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 इंटू फोर, चूँकि ये तो जीरो हो गया, तो 27 में जब फोर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 108। यानी आप देख सकते हैं कि LHS में जो मेरा था वो आया था 108 और RHS में आया था 108। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला जा रहा इवोल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 303 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 10। इसको हमें, इसका जो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है उसको हमें बताना है कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, A11 लेंगे, यानी 3 लेंगे तो ये जो हमारे पास रो है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 0 माइनस 1 एंड माइनस 5 0। अगेन ये जो होता है हमारा माइनस का होता है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 1, ये कैंसिल यानी 0 0 माइनस 1 3 0। अगेन अब माइनस 2 यानी यहाँ पे प्लस, माइनस 2 जब लेंगे तो ये कैंसिल यानी 0 0 0 0 3 माइनस 5 ये हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, जब 3 लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और माइनस 5 0 ये बच जाएगा। अगेन जब सेकंड में जाएंगे, यहाँ सेकंड कॉलम में जब जाएंगे इस पार्ट पे, तो माइनस, तो पहले होता है ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस यानी माइनस तो हो जाएगा और ये माइनस 1 है तो माइनस 1। अब ये पार्ट खत्म और ये पार्ट खत्म, यानी बच क्या जाएगा, 0 माइनस 1 तो ले लिए 0 माइनस 1 एंड 3 0। अब जब माइनस 2 लिए तो यह तो हमारा प्लस होता है तो प्लस ले लिए और माइनस 2 है तो माइनस 2, ये पार्ट खत्म और ये पार्ट खत्म, यानी हो क्या जाएगा, 0 0 3 माइनस 5। अब इससे हमें सॉल्व करना होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 5। अगेन यहाँ पे माइनस माइनस, इसको पहले प्लस कर लेते हैं 1, और 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस माइनस 1 इंटू 3, प्लस माइनस माइनस इसको कर लेते हैं माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 में 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 में 0 से करेंगे तो 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और ये 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस 5। यहाँ पे समझने वाली होगी कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और 5 में 1 से करेंगे तो 5 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 0 तो ख़त्म ही हो जाएगा और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और माइनस यानी प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस, ये 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 15 प्लस 3 को 1 से कराएंगे तो 3, और माइनस 15 में जब 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12, यही हमारा आंसर होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।